16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस विशाल सैटर्न 5 रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में सवार थे और महज 11 मिनटों में ही कक्षा में प्रवेश कर गए। इसके 4 दिन बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। अपोलो 11 में यूज किया गया रॉकेट सैटर्न 5 दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट था। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। सैटर्न 5 के लॉन्च होने के समय 1 सेकंड में 20 टन ईंधन जला। इसके कुल वजन का 85% हिस्सा प्रोपेलर था। ये पृथ्वी की कक्षा में 130 टन वजन को स्थापित करने और 43 टन वजन को चंद्रमा पर ले जाने के लिए काफी था। ये वजन लंदन की लगभग 4 बसों के बराबर है।